हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 28 जनवरी। तो 28 जनवरी के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 27 जनवरी के जब करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको एक टेस्ट दो क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। और आपको बता दूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो उस पर आप @currentaffairsbyravi लिखकर सर्च करेंगे तो करंट अफेयर्स का जो पर्सनल ग्रुप बना है उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। या फिर आप @shriEducation लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। बट करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स के रिलेटेड आपको लेक्चर वहां पर ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं, वहां से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं इजी लैंग्वेज में। और ज्यादा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके अपडेट आपको मिलते रहे। सो कल का जो टेस्ट क्वेश्चन था आपका वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो टेस्ट था कि आपका कि हाल ही में कौन सा देश ग्रुप 77 का नया अध्यक्ष बना है। तो ग्रुप 77 का जो नया अध्यक्ष बना है उस देश का नाम है गुआना। डी ऑप्शन आपका सही था और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था, प्लस गुआना कंट्री के बारे में भी बताया था। और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स यानी कि 28 जनवरी के करंट अफेयर्स। और आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपको बता दूं वैसे तो बहुत सारे लोगों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया, बट इन ऑप्शंस में से आपको बताना कि किसे चुना गया है। तो उनका नाम है कंगना रनौत। बी ऑप्शन आपका सही है, कंगना रनौत को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में जो पद्म पुरस्कार है उनकी घोषणा की गई है। आपको पता ही है पद्म पुरस्कार के अंदर 3 अवार्ड आते हैं, पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री, ठीक है। और गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी कि 26 जनवरी को इन पुरस्कार की घोषणा की गई है। और जो पद्म विभूषण अवार्ड है ना ये 7 लोगों को दिया जाएगा और जो पद्म भूषण है ये 16 लोगों को दिया जाएगा और पद्मश्री पुरस्कार के लिए 118 लोगों को चुना गया है, ठीक है। तो टोटल जो है 141 पद्म अवार्ड दिए जाएंगे, ये आपको नोट करना है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कंगना रनौत इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया, तो इन्हें किस कैटेगरी में दिया जा रहा है, तो कला के क्षेत्र में इन्हें ये पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। कंगना रनौत के साथ साथ कला के क्षेत्र में एकता कपूर प्लस करण जौहर इन दोनों लोगों को भी ये अवार्ड दिया जा रहा है पद्मश्री, ठीक है। नोट करना है आपको किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, कला के क्षेत्र में। अब जैसे मैंने बताया कि इन तीनों अवार्ड्स की यानी कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, इन तीनों अवार्ड्स की घोषणा हुई, तो इन तीनों अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए पद्म विभूषण, इसके बारे में आपको नोट करना होगा। तो देखिए जो पद्म विभूषण अवार्ड है ना ये इस साल यानी कि 2020 में 7 लोगों को चुना गया इस अवार्ड के लिए। और ये जो पुरस्कार है पद्म विभूषण ये पहली बार 1954 में दिया गया था, फर्स्ट टाइम 1954 में से दिया गया था। और ये हमारे भारत का दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। कौन से नंबर का दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है? पहला उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पहला जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न, ठीक है, और दूसरा है पद्म विभूषण। और उसके बाद हम दूसरा डिस्कस करने जा रहे हैं पद्म भूषण के बारे में। तो देखिए पद्म भूषण जो पुरस्कार है ना ये भी 1954 में फर्स्ट टाइम दिया गया था और ये हमारे भारत का तीसरा उच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, तीसरा उच्च नागरिक सम्मान है। और ये जो पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड है ना ये अपने अपने क्षेत्र में जिन लोगों ने बेहतर कार्य किया होता है उन्हें दिया जाता है। और उसके बाद थर्ड है पद्मश्री अवार्ड। तो 118 लोगों को 2020 में चुना गया है पद्मश्री अवार्ड के लिए और ये हमारे भारत का चौथा उच्च नागरिक सम्मान है, ये आपको नोट करना होगा। फर्स्ट टाइम 1954 में ये भी दिया गया था, ये भी पता होना चाहिए आपको। और ये जो पद्मश्री अवार्ड है ना ये कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है पद्मश्री अवार्ड? कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और समाज सेवा, ठीक है, ये आपको नोट करना है। इन तीनों अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये तीनों अवार्ड्स किस कैटेगरी में आते हैं? पद्म अवार्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है,
ये आपको नोट करना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसकी पूरी लिस्ट आई है, वो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पे। 141 लोगों को पद्म अवार्ड्स के लिए चुना गया, ठीक है। ये पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, कि हाल ही में भारत पर्व 2020 कहाँ शुरू हुआ है। ये क्वेश्चन आपको कल भी पढ़ाया गया था, बट भारत पर्व जो है ये हाल ही में स्टार्ट हुआ है 26 जनवरी को, ये आपको नोट करना है। और इसका थीम भी आया है, थीम भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ाया जा रहा है। तो भारत पर्व 2020, इसे आपको बता दूं कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में ये पर्व स्टार्ट हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो नई दिल्ली में लाल किला मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है। और इसका थीम जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भारत पर्व का, तो इसका थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके दो थीम है, पहला थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और दूसरा थीम है सेलिब्रेटिंग 150 ईयर ऑफ महात्मा गांधी। क्या थीम है दूसरा? सेलिब्रेटिंग 150 ईयर ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। ये थीम आपको नोट करने हैं दोनों के दोनों। पहला है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और दूसरा है सेलिब्रेटिंग 150 ईयर ऑफ महात्मा गांधी। और ये जो भारत पर्व है, ये मैंने आपको बताया था क्यों ऑर्गेनाइज किया जाए, तो हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, और जो भारतीय नागरिक है उन्हें उनमें देशभक्ति की भावना को जागरूक करने के लिए इसे भारत पर्व को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। ये आपको नोट करना है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और दिल्ली का जब भी नाम आता है तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ जो कि नोट करनी है, वो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल। क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। और आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है। तो भारत का जो पहला ई कचरा क्लिनिक है, इसे हाल ही में एमपी में खोला गया, यानी कि मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन आपका सही है, मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ? तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, वहां पर इस ई कचरा क्लिनिक को खोला गया, ठीक है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ई कचरा क्लिनिक आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रिक कचरा होता है उसे बेचा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक कचरा आप लोग जानते हैं, जैसे पुराने मोबाइल फोन्स वगैरह, ये सब ये होता है ई कचरा। देखिए, ये जो ई कचरा क्लिनिक खोला गया है एमपी के अंदर भोपाल में, इसमें क्या होगा कि जो ई इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसे रिसाइकल किया जाएगा और उसे यूज में लाया जाएगा, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है आपका। तो यहाँ पर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल है भोपाल, और चीफ मिनिस्टर है कमलनाथ, और गवर्नर का नाम भी नोट करना है, तो गवर्नर है लालजी टंडन। और एमपी के अंदर लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11, और विधानसभा सीटें 230 है। मध्य प्रदेश का फोक डांस याद रखना, तो फोक डांस है ग्रीदा, और नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मध्य प्रदेश के बारे में, इंपॉर्टेंट। और आज का अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कि हाल ही में किस बास्केटबॉल खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो उनका नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उनका नाम है कोबी ब्रायंट। डी ऑप्शन आपका सही है, कोबी ब्रायंट, इनका हाल ही में निधन हो गया। और आपको बता दूं कि ये अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर थे, अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर थे। इनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है इनकी, ये आपको याद रखना है। और ये अमेरिका के बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर थे, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट करनी होगी कोबी ब्रायंट के बारे में। देखिए, पहली जो इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में वो ये है कि ये 5 बार एनबीए चैंपियन रह चुके हैं, यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ये चैंपियन रह चुके हैं 5 बार, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में नोट करनी होगी कि ये 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, 2 बार इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता है, ये भी आपको नोट करना होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि ये 5 बार एनबीए यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के चैंपियन रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एनबीए के बारे में नोट करना होगा। फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। और एनबीए, इसकी स्थापना 1946 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और यहाँ एनबीए के कमिश्नर का नाम इंपॉर्टेंट है, तो एनबीए के जो कमिश्नर है उनका नाम है एडम सिल्वर। क्या नाम है? एडम सिल्वर, ये एनबीए के कमिश्नर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर आपको अमेरिका के बारे में नोट करना होगा, क्योंकि जो कोबी ब्रायंट थे ये अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर थे। तो यहाँ पर जो मार्क है अमेरिका, इसकी कैपिटल है वाशिंगटन, और करेंसी है यूएस डॉलर। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम जानते होंगे आप लोग, डोनाल्ड ट्रम्प नाम है उनका, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी अमेरिका के बारे में। और नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन है आज का, कि हाल ही में किस देश
ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। तो ये जो सागरमाथा संवाद फोरम है ना, ये हाल ही में नेपाल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ए ऑप्शन आपका सही है। और नेपाल ने हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्हें इनवाइट किया है इस फोरम में हिस्सा लेने के लिए। और ये जो सागरमाथा संवाद है, इसे ना अप्रैल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, नेपाल में। ये आपको नोट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसका थीम। तो ये जो सागरमाथा संवाद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका थीम नोट कर लीजिए। तो इसका थीम है जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता। क्या थीम है? जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता। थीम इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये जो सागरमाथा संवाद फोरम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें और भी देशों के जो प्रधानमंत्री हैं और जो वहां के देशों के हेड हैं, उन्हें भी इन्वाइट किया गया है, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है। और इन सभी देशों के साथ आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नेपाल ने इन्हें इनवाइट किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर सागर माथा, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो सागर माथा संवाद है ना, इसका सागर माथा का मतलब होता है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के नाम पर इस फॉरम का नाम रखा गया है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर नेपाल के बारे में हम डिस्कस कर लेते, क्योंकि ये जो सागर माथा संवाद है, इसे नेपाल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो माग्डे नेपाल है, इसकी कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी, और प्रेजिडेंट है विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर है खड्गा प्रसाद ओली। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई नेपाल के बारे में। इंपॉर्टेंट, इससे पहले ही बहुत बार हमने नेपाल के बारे में डिस्कस किया ही हुआ है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और किस देश के बीच गंगा बोलगा वार्ता का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में रशिया और भारत के बीच में, ए ऑप्शन आपका सही है, रूस और भारत के बीच में गंगा वोल्गा वार्ता का ऑर्गेनाइज किया गया है। और कहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये जो गंगा वोल्गा वार्ता है ना, इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, भारत और रशिया के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। इसका थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका थीम है कनेक्टिविटी। क्या थीम है? कनेक्टिविटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थीम आपके लिए। और ये जो वार्ता है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है, गंगा वोल्गा वार्ता? तो हमारे भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इस वार्ता को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। यहाँ पर आपको हमारे विदेश मंत्री का नाम पता होना चाहिए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर, बहुत बार हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। विदेश मंत्री का नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या नाम है उनका? एस जयशंकर, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर। और दूसरा मैंने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, ये जो रिसर्च फाउंडेशन का नाम रखा गया ना, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? तो ये एक शिक्षाविद थे, साथ ही साथ ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो गंगा वोल्गा वार्ता है, ये क्यों ऑर्गेनाइज की जा रही है? तो इस वार्ता में क्या होगा कि संस्कृति और डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, इन सभी विषयों पर चर्चा किया जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर हम रशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रशिया, इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और प्राइम मिनिस्टर का नाम, इससे पहले मैंने आपको करंट पे पढ़ाया था ना रशिया के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि रशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने, जिनका नाम है मिखाइल मिशुतिन, ठीक है। जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद नए प्राइम मिनिस्टर बने मिखाइल मिशुतिन, ठीक है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी रशिया के बारे में। प्राइम मिनिस्टर का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केरल मीडिया एकेडमी के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो उनका नाम है एन राम। ए ऑप्शन आपका सही है, एन राम को हाल ही में केरल मीडिया एकेडमी के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। और एन राम, इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ। तो मीडिया के क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के लिए इन्हें ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है, केरल मीडिया एकेडमी के द्वारा। और एन राम को ना, ये आपको नोट करना होगा। तो द हिंदू ग्रुप, नाम सुना ही होगा आपने, द हिंदू ग्रुप, इसके चेयरमैन है एन राम। द हिंदू ग्रुप के बारे में आपको बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिए, द हिंदू ग्रुप, इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो 1878 में इसकी स्थापना हुई है, और हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। तो द हिंदू ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है, ये चेन्नई में है, और चेयरमैन का नाम अभी मैंने बताया एन राम है उनका। और यहाँ पर आपको केरल राज्य के बारे में डिस्कस करना होगा, क्योंकि केरल मीडिया एकेडमी, जो कि केरल में है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर है केरल, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, और गवर्नर अरीफ मोहम्मद खान। और केरल के अंदर लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की सीटें 9, विधानसभा की सीटें 140 है। फोक डांस है चख्या कोथू, और नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क,
ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई केरल राज्य के बारे में। और आज का अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में नवाचार महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जो नवाचार महोत्सव है इसे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। सी ऑप्शन आपका सही है, अरुणाचल प्रदेश में। कहा तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ईटानगर में से ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, ये पता नहीं आपको। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये नवाचार महोत्सव, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा इस नवाचार महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया। क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? तो नवाचार का मतलब आप लोग जानते होंगे इनोवेशन, तो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन में आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में नोट करना होगा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है ईटानगर और चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीट 60 है। फोक डांस है भारदोछाम और नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई अरुणाचल प्रदेश के बारे में। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता है। तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। बी ऑप्शन आपका सही है। उत्तराखंड के अंदर एक संस्थान है, उस संस्थान का नाम आपको नोट करना होगा। संस्थान का नाम है आपदा शमन प्रबंधन केंद्र। क्या नाम है संस्थान का? आपदा शमन प्रबंधन केंद्र। ये उत्तराखंड का संस्थान है जिसने ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक और नाम नोट करना होगा, उनका नाम है कुमार मुन्नन सिंह। कुमार मुन्नन सिंह को पर्सन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार पर्सन कैटेगरी में। और ये जो उत्तराखंड को दिया गया ये संस्थान कैटेगरी में दिया गया। ठीक है, ये आपको नोट करना है। और उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि ये कैश प्राइज कितना दिया जाएगा इस अवार्ड के तहत, यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत कैश प्राइज कितना दिया जाएगा। तो जो संस्थान है उत्तराखंड का, जो संस्थान है आपदा शासन और प्रबंधन केंद्र, इससे 51 लाख रुपीज दिए जाएंगे प्लस सर्टिफिकेट। और जो कुमार मुन्नन सिंह है ना, इन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएगा कैश प्राइज प्लस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये नोट करना है आपको। और यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मार्गे उत्तराखंड है, इसकी कैपिटल है देहरादून, चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के अंदर लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की सीटें 3, विधानसभा सीटें 70 है। फोक डांस है भारतनाट्यम और नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है उत्तराखंड के बारे में। और आज का जो आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में शेर सिंह कुल्लन का निधन हो गया, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो शेर सिंह कुल्लन, ये आपको बता दूं कि ये एक मूर्तिकार थे, ए ऑप्शन आपका सही है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम आपको नोट करना है शेर सिंह। और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये नोट करनी होगी कि इन्हें 2008 और 2009 के लिए विजुअल आर्ट फोटोग्राफी में फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, शेर सिंह ये एक मूर्तिकार थे, इनका नाम इम्पोर्टेंट था, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स, यानी कि 28 जनवरी के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में कहा गया था कि आपको लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, बट टेस्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और जो पद्म अवार्ड की जो लिस्ट है वो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज का टेस्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सब्जी उत्पाद में पहले स्थान पर है। इन चारों ऑप्शन में से उस राज्य का नाम आपको बताना है, सेकंड रैंक पे कौन सा राज्य ये भी बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।